हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होंगे फॉर अपकमिंग एग्जाम बीपीएससी टीचर्स एग्जाम। ओके, अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाता है। सबसे पहले देख सकते हैं कि इंडियन स्टेट विद इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी इंडिया के कौन कौन सा ऐसे स्टेट है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, नंबर वन है गुजरात। तो गुजरात का जो बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान से। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान का बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान से। पंजाब, पंजाब का भी बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान से। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये तीन कंट्री से इनका बॉर्डर शेयर होता है चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसके बाद हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर होता है चाइना से। उसके बाद बिहार जो कि बॉर्डर शेयर होता है नेपाल से, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर होता है पूरे नेपाल से। उत्तराखंड, ये भी चाइना और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल, ये तीन कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश। सिक्किम, भूटान, चाइना और नेपाल। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर शेयर होता है भूटान, चाइना और म्यांमार से। इसके बाद नागालैंड, नागालैंड बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। मणिपुर, मणिपुर भी म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से। इसके बाद मेघालय बांग्लादेश, त्रिपुरा भी बांग्लादेश, आसाम भूटान और बांग्लादेश से। ओके, तो ये 17 ऐसा इंडियन स्टेट्स है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं। ओके, इसमें से जस्ट आप लोगों को याद रखना है कि कौन ऐसा कंट्री है, कौन ऐसा स्टेट है जो कि मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है। ओके, इसके बाद टॉप 5 स्टेट एरिया वाइज, इंडिया के 5 ऐसे स्टेट एरिया वाइज जो कि बहुत लार्ज हैं, बहुत एक्सपैंड है। नंबर 1 देख लेते हैं, तो है राजस्थान। ओके, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, देन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये 5 टॉप 5 एरिया वाइज ये स्टेट्स हैं। उसके बाद टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, इंडिया के 5 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्स। सबसे पहले कच्छ। ओके, ये पूरे इंडिया के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्स है जो कि गुजरात में है। ओके, उसके बाद लेह लद्दाख का, जम्मू एंड कश्मीर का लेह लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद जैसलमेर। ओके, जैसलमेर ये राजस्थान का। नंबर 4 में है बीकानेर, ये भी राजस्थान में है। और नंबर 5 बाड़मेर, ये भी राजस्थान में। ओके, तो 3 ऐसा डिस्ट्रिक्स है जो कि राजस्थान में है, 3, 4, 5। और सबसे पहला है गुजरात का कच्छ, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का लेह लद्दाख। टॉप 5 स्टेट्स विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स जो कि सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया यानी समुद्र स्थल को शेयर करते हैं। नंबर 1 है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, ये 1962 किलोमीटर ये कोस्टल लाइन है इसका। उसके बाद है गुजरात 1600 किलोमीटर है। उसके बाद तमिलनाडु 974, उसके बाद आंध्र प्रदेश 972 और महाराष्ट्र है 720। ये टॉप 5 जो कि कोस्टल लाइन एरिया को शेयर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मेजर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। ओके, कुछ बड़े बड़े जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस है, नंबर 1 है कंट्री के हिसाब से इंडिया चाइना। ओके, तो इंडिया चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, जो बॉर्डर है, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। ओके, मैकमोहन लाइन डिसाइडेड ऑन अप्रैल 27, 1914। ये 1914 को ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया चाइना के बीच में एक मैकमोहन लाइन बनाया जाए। और ये पासिस होता है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला है इंडिया पाकिस्तान, तो ये रेडक्लिफ लाइन। ओके, एक अंग्रेज था रेडक्लिफ, वही इस लाइन को खींचा था, उसी के नाम से इस लाइन को नाम दे दिया गया रेडक्लिफ लाइन। ओके, और ये डिसाइड हुआ था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, रेडक्लिफ लाइन। थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान अफगानिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम है दुरान लाइन। ओके, और बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया के आज़ादी से पहले ये एक पार्ट, ये इंडिया का ही पोर्शंस था। इट वाज बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान, और ये दुरान लाइन इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है। इसके बाद मेजर चैनल्स, चैनल्स मतलब जो के बॉर्डर है पानी पे। ओके, जो समुद्र पे जो बॉर्डर से बॉर्डर मान लिया गया उसको चैनल्स कहते हैं। सबसे पहला है ग्रेट चैनल, तो ये इंदिरा पॉइंट जहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे इंदिरा यानी ग्रेट चैनल उसको कहा जाता है, इंदिरा
पॉइंट जो कि इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिटिल अंडमान कार निकोबार आइलैंड में है। ओके, लिटिल अंडमान निकोबार आइलैंड में। उसके बाद 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के, यहाँ ये बॉर्डर है मिनिकॉय या लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये मालदीप और मिनिकॉय के बीच में एक छोटा सा चैनल है, बॉर्डर है, उसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं, मालदीप और मिनिकॉय। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार के, इंडिया श्रीलंका के बीच में एक बॉर्डर है, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के बिल्कुल मिडिल से ही पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द इंडिया, इट पासिस थ्रू द 8 स्टेट, ये इंडिया के 8 स्टेट्स होके गुजरता है, विच आर फॉलो एज, नंबर 1 है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो ये इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका वैल्यू है 23 डिग्री नॉर्थ। ओके, इसका वैल्यू है 23 डिग्री नॉर्थ। इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को उर्दू में खते सरतान भी कहा जाता है। उसके बाद देखें मैरिटाइम बाउंड्री लाइन, मैरिटाइम बाउंड्री लाइन तो इनलैंड वाटर्स, तो हिंदुस्तान में जितने सारे जो रिवर बहते हैं इनलैंड इंडिया के अंदर में, उसको इनलैंड वाटर वेज कहते हैं। तो इनलैंड वाटर जोन इनसाइड द बेस लाइन, जो इंडिया के अंदर बहते हैं, टेरिस्ट्रियल सी, ओके टेरिटोरियल सी, इट इज़ अ जोन एक्सटेंड द 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, यानी इंडिया के साहिली इलाके से, इंडिया के कोस्टल लाइन से 24 नॉटिकल माइल के इलाका, ये सब 12 नॉटिकल माइल इलाका, ये सब टेरिटोरियल सी एरिया कहा जाता है। उसके बाद कॉन्टिजुअस जोन, तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि 24 नॉटिकल माइल बेस से लेकर के 24 नॉटिकल माइल एरिया को कॉन्टिजुअस जोन कहते हैं। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEG, ओके EEZ, दिस एरिया एक्सटेंडिंग द 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन एक्सेप्ट व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू कंट्रीज लेस देन 400 नॉटिकल माइल। ये एक ऐसा जोन है जो कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल के इलाके को माना जाता है, लेकिन अगर दो कंट्री के बीच में ये कम से कम 400 माइल का ये डिफरेंस होना चाहिए। ओके, उसके बाद हाई सी, तो ये एक ऐसा एरिया है, द एरिया बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, द एरिया ऑफ हाई सीज वेयर ऑल द कंट्रीज हैव इक्वल राइट। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे तमाम कंट्री का इक्वल राइट्स है, और ये भी एक इकोनॉमिक जोन के तौर पे ही माना जाता है। यहाँ पे दिया गया है 1 नॉटिकल माइल में कितना मीटर होता है, तो 1852 मीटर, 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1852 मीटर्स। ओके, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।